Good morning, my dear student. Myself Ravi Singh, your science teacher. Once again, present here to teach you the second topic of life process, that is respiration. This topic is really very important from your examination point of view. So let's continue our topic. Here the topic is respiration. क्या होता है रिस्पायरेशन, क्या रोल है इसका हमारे लाइफ प्रोसेस में रिस्पायरेशन का? तो देखिए, हम लोग जो अभी पढ़े हैं डाइजेशन में, न्यूट्रिशन वाला पोर्शन जो पढ़े हैं लाइफ प्रोसेस में, उसमें पूरा का पूरा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो चुका था, डाइजेस्ट हो गया था, और डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्प्शन वगैरह असिमिलेशन सब कुछ हो चुका था। तो देखिए, अब यहाँ से होता क्या है, डाइजेशन होने के बाद वो बना किस चीज में, ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर हो गया C6H12O6 के फॉर्म में। दिस इज द फाइनल कन्वर्जन ऑफ फूड। जो हम फूड पूरा इंटेक कर रहे थे, डाइजेशन हुआ था, होने के बाद फाइनली क्या बना, वो ग्लूकोज बन गया। अब ये ग्लूकोज जाएगा कहाँ, किसके थ्रू जाएगा, ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, हर एक सेल में जाएगा। हर एक सेल में जाने के बाद ये ग्लूकोज किसी काम का नहीं है, अभी तक कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा जब तक कि इसका कन्वर्शन ना हो, तो देखिए, ये जो ग्लूकोज है वो तब तक किसी काम का नहीं है जब तक इसको ऑक्सीजन ना मिले। जब ऑक्सीजन इसको मिलेगा तो ये जो हमारा ग्लूकोज है इस क्या होगा, कंबशन करेगा, और ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, जो ग्लूकोज है, ये ब्रेक करेगा, टूटेगा और रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। क्या होगा, एनर्जी, ठीक है। देखिए, रिस्पायरेशन पहले है क्या, तो समझना है। रिस्पायरेशन एक प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें जो हमारा रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, देखिए इसको क्या बोलते हैं एक्चुअली में, ये सबस्ट्रेट बोलते हैं। सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है। ये ऐसा सब्सटेंस को बोलते हैं जो क्या करेगा, ब्रेक होने के बाद एनर्जी प्रोवाइड करे। फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन, ETCs क्या है, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है। तो रिस्पायरेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि हमारा रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, और टूटने के बाद क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जो कि एसेंशियल है हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल रिस्पायरेशन से अगर गुजर निकला, क्या रिस्पायरेशन का यूज क्या है, हम जो खाना खाए थे, डाइजेशन हुआ था पूरा का पूरा, वो ब्लड के थ्रू ये ग्लूकोज कहाँ स्टोर हो जाएगा, जाके कहाँ हो जाएगा, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर ये ग्लूकोज किसी मतलब का नहीं है जब तक इसको ऑक्सीजन ना मिले। जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा तो ये रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट भी इसको बोलते हैं, ये ब्रेक करेगा, टूटेगा और क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यही तो हमारे बॉडी में क्या है, एक्सक्रीटरी वेस्ट है, जो सेल के अंदर जेनरेट होता है, प्लस एनर्जी भी जेनरेट हो जाएगा। दिस इज रिस्पायरेशन। तो चलिए, बहुत लंबा ना खींच के इसको हम स्टार्ट करते हैं। रिस्पायरेशन है क्या, तो क्या होता है रिस्पायरेशन, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस in which energy is released by combustion of respiratory substrate, ब्रैकेट में लिख लेना है आपको ग्लूकोज, और भी होता है लेकिन आपको बस यही लिखना है। देखिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी, और कितना मतलब प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो बनाने में, आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक तो फैन ऑन नहीं करो, माइक है नहीं, फैन ऑन करेंगे तो क्या होगा, आवाज़ ही नहीं क्लियर आएगा, फैन का ही आवाज़ आने लगेगा। इस गर्मी में वीडियो बनाना, लेक्चर बनाना बहुत मुश्किल काम है। स्कूल में तो एटलीस्ट फैन तो चल रहा होता है तो अच्छा लगता है, लाइव क्लासेस में मन भी लगता है पढ़ाने में, यहाँ ऐसे मन भी नहीं लगता है।
वहां पे लगता है स्टूडेंट से इंटरेक्शन कर रहा है, उधर से क्या हो रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ फेल हो रहा है, इधर से एक्शन कर रहा है, रिएक्शन कुछ हो ही नहीं रहा है, वहाँ तो भाई क्वेश्चन कुछ पूछे तो इधर से रिप्लाई भी आया वगैरह, तो पढ़ाने में भी मन लगता है, उतना मन यहाँ पे लगता नहीं। तो देखिए इतना गर्मी में एक तो सही हमको गर्मी ज्यादा लगता है, फैन नहीं चला सकते हैं, इतने बड़े तो है नहीं मुकेश अंबानी जो एसी लगाए एसी चलाए, ठीक है, और मुकेश अंबानी की बात नहीं है, एसी चलाना भी नहीं चाहिए, हम विंग बायोलॉजिस्ट या साइंस स्टूडेंट होने के नाते या टीचर होने के नाते ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है कि पैसा के अलावा हम इन्वायरमेंट को भी क्या करें, प्रोटेक्ट करें, और हमको आपको सबको पता है रेफ्रिजरेटर एसी ये सब क्या करता है, हार्मफुल गैसेस रिलीज करता है जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव आवर इन्वायरमेंट। ओके चलिए ये सब लेक्चर का काम इंग्लिश वाले सर का सृष्टि वाले सर का है, थोड़ा बहुत हम भी दे देते हैं। देखिए रिस्पिरेशन है क्या, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा, कब होगा, कंबशन के द्वारा, कंबशन क्या होगा, रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज, तो कंबशन आप सबको पता है कंबशन कब होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो सिंपल सा है ये बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू एनर्जी रिलीज होगा बाय कंबशन ऑफ रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सच एज ग्लूकोज फ्रुक्टोज प्रोटीन फैट इटीसी। अब तक आप लोग यही जानते होइएगा कि जो कंबशन होता है वो ग्लूकोज का होता है या फ्रुक्टोज का होता है C6H12O6 का, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल ग्लूकोज का ही, कार्बोहाइड्रेट का ही क्या होता है कंबशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी होता है, फैट का भी होता है, प्रोटीन का भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का होगा फिर फैट का होगा, प्रोटीन का बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत कम होता है, ठीक है। चलिए रिस्पिरेशन समझ गए, अब हम रिस्पिरेशन को फर्दर दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में इसको डिवाइड करते हैं, कौन कौन, एरोबिक, दूसरा एनएरोबिक। रिस्पिरेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, पहला हो गया एरोबिक, दूसरा हो गया एनएरोबिक। तो एरोबिक किसको बोलेंगे और एनएरोबिक किसको बोलेंगे, आप सबको पता होगा, बहुत सिंपल सा चीज है, वैसा रिस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, बिना ऑक्सीजन का कंप्लीट नहीं हो सकता, उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक बोलते हैं, ऐसा रिस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस के बिना भी या इसके कमी के बिना भी फुलफिल हो सके उसको बोलते हैं एनएरोबिक। तो हम लोग कौन सा रिस्पिरेशन करते हैं, एरोबिक, बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं नहीं, तो हम लोग कैसा रिस्पिरेशन करते हैं एरोबिक, वो अलग केस है जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो रिस्पिरेशन को फर्दर हम दो भाग में बांटते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक किसको, वैसा रिस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हो सकता है, उसके बिना संभव ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे, एरोबिक। और वैसा रिस्पिरेशन जो बिना ऑक्सीजन के भी हो सकता है उसको बोलते हैं एनएरोबिक। तो चलिए इसको लिखते हैं, फिर समझते हैं चीजों को, ठीक है। एरोबिक रिस्पिरेशन किसको बोलेंगे, द रिस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस, ये सब आपको पता भी होगा, सिंपल सा चीज है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रिस्पिरेशन। अब यहां से देखना है, जो एग्जाम्पल लिखेंगे उसको बहुत ध्यान से देना है, जैसे
लिखिएगा यहाँ पे। अब देखिए एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है, आपको समझ में आ गया, वैसा रिस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पॉसिबल हो, उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं। अब देखना ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को आपको ध्यान देना है क्या है ये रिएक्शन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है क्या है एरोबिक रिस्पिरेशन है क्या। देखिए ये क्या है, ये वाला जो है ये ग्लूकोज है, क्या है ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ये डायग्राम में दिख रहा है, ये क्या है ग्लूकोज है। अब ये जो ग्लूकोज है इसको रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी बोलेंगे, रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी बोलेंगे, फैट को भी बोलेंगे, प्रोटीन को भी बोलेंगे, ये तो आपको क्लियर होगा। अब क्या होता है, अब ये जो है ये टूटेगा, ये टूटेगा और मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट हमको एनर्जी, एनर्जी मिलेगा, क्या मिलेगा एनर्जी एटीपी के फॉर्म में। लेकिन ये सिंपल एक ही साइकिल में नहीं होता है, एक ही साइकिल में ये नहीं होता, बहुत लंबा प्रोसेस है इसका, रिस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत लंबा है, दो तीन स्टेप है, अलग अलग पाथवे है, कॉमन पाथवे, अल्टरनेट पाथवे, लेकिन यह सब आपको नहीं पढ़ना है, वो हायर क्लासेस में पढ़ना है, यहाँ बहुत सिंपल सा चीजों को आपको समझना है, ठीक है, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बहुत बड़ा बड़ा रिएक्शन होगा, इसका कैसे पॉसिबल होता है वो सब हमारे टेंथ लेवल तक का है ही नहीं, तो क्यों पढ़े उसको, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, देखिए सिंपल सा, ये जो ग्लूकोज है ये पहले टूटता है पाइरूविक एसिड में और पाइरूवेट में, देखिए ये जो ग्लूकोज है ये फर्स्ट स्टेप में ये ग्लूकोज टूटेगा पाइरूविक एसिड या पाइरूवेट में, एक्चुअली ये टू एक मोल ग्लूकोज का जो ब्रेक होता है वो टू पाइरूविक एसिड में टूटता है, लेकिन वो समझ जाना है आपको, सिंपल सा इतना समझना है, ये जो ग्लूकोज है ये सबसे पहले टूटेगा किस चीज में, टूटेगा पाइरूविक एसिड में, या इसी को बोलते हैं पाइरूवेट, पाइरूवेट, तो ग्लूकोज कन्वर्टेड इंटू पाइरूविक एसिड एंड पाइरूवेट, ये कौन सा स्टेप होगा, ये होगा स्टेप नंबर वन। तो पहले नंबर स्टेप में हमारा जो ग्लूकोज है वो किस चीज में टूट जाएगा, पाइरूविक एसिड या पाइरूवेट में। अब क्या होगा, ये वाला प्रोसेस होगा कहाँ, होगा कहाँ, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ये प्रोसेस होगा ही होगा, एरोबिक रहे एनारोबिक रहे कुछ भी रहे ये प्रोसेस होना ही होना है, तय है, ठीक है, फिक्स है। मतलब ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरूविक एसिड या पाइरूवेट, पाइरूवेट, ये प्रोसेस कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर, तो पहला प्रोसेस तो ये हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल पता होगा आपको, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन कैसे जाएगा, जब हम रिस्पिरेशन करेंगे एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, ये कहाँ एंटर करेगा, कहाँ जाएगा, ब्लड के थ्रू, ब्लड के मदद से कहाँ पहुंच जाएगा, हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के पास, वहां पे क्या होगा, अब ये जो पाइरूवेट है या पाइरूविक एसिड है ये टूटेगा फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करेगा, कितना एनर्जी, 38 एटीपी एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। तो दिस इज क्या है, एरोबिक रिस्पिरेशन का एग्जांपल है। हम लोग कौन सा रिस्पिरेशन करते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं, मतलब जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा हमारा रिस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एरोबिक क्या है सबको पता होगा, ये रिएक्शन आपको समझना है, दो प्रोसेस में होता है, पहले अब देखिए ग्लाइकोलिसिस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरूविक एसिड या पाइरूवेट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। एक्चुअली ये दो टर्म है, ग्लाइको और लिसिस, ग्लाइको और लिसिस, लिसिस मतलब होता है स्प्लिटिंग, टूटना, ग्लाइको मतलब होता है सुगर, तो सुगर का टूटना, सुगर के प्रोडक्ट को टूटना, उसी को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। तो ये ग्लूकोज या फ्रुक्टोज ये है क्या, एक्चुअल में सुगर का ही प्रोडक्ट है ना, तो इसी को टूटना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ या ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरूविक एसिड इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। अब क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ग्लाइकोलिसिस वाला जो प्रोसेस है वो कहाँ होगा, तो साइटोप्लाज्म में, और रियल में जो ऑक्सीडेशन होगा, कंबशन होगा, वो कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। चलो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक चीज और ध्यान देना है यहाँ पे, गौर करना है, ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज केमिस्ट्री तो पढ़े नहीं हम लोग अभी, कंबशन पढ़ेंगे, सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो हम लोग पढ़ेंगे, उसमें आप शायद जूनियर क्लास में पढ़े भी होइएगा कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, पता नहीं पता आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े, दो टाइप का रिएक्शन भी होता है, प्रोसेस होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, दूसरा होता है एनाबॉलिज्म।
तो कैटाबॉलिज्म में एक मॉलिक्यूल सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है, टूटता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म किसको बोलते हैं, जिसमें बहुत सारा चीज ब्रेक ज्वाइन करता है, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो रिस्पायरेशन में देखिए ग्लूकोज है, टूट रहा है कितने भागों में, दो तीन प्रोडक्ट में टूट रहा है, सिंपलर प्रोडक्ट में टूट रहा है। तो ये कैसा प्रोसेस है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो हम कह सकते हैं रिस्पायरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। और भी आप लोग चीज जानते होइएगा, रिएक्शन जो है बहुत गर्मी, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक दो टाइप का होता है। तो यहाँ पे देखिए इनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, दैट्स व्हाई रिस्पायरेशन इज एक्सोथर्मिक रिलीज। क्या होगा, कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा, हीट भी रिलीज होता है थोड़ा सा। तो रिस्पायरेशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है, ये सब भी हम लोग चीज को ऐड कर सकते हैं, आपको पता भी होगा आई होप। ठीक है, ये वाला प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट था, ग्लाइकोलिसिस और ये वाला कंप्लीट। अरेबिक रिस्पायरेशन समझ गए। अब है हमारा अगला एनएरोबिक रिस्पायरेशन। अब देखो ये मिटेगा ही नहीं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, एनएरोबिक रिस्पायरेशन, एनएरोबिक रिस्पायरेशन क्या हो जाएगा, द रिस्पायरेशन विच टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन भी कर लो, उसको क्या बोलेंगे, एनएरोबिक बोलेंगे। तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होगा, जो ग्लूकोज है ये फिर ग्लाइकोलिसिस तो होगा ही होगा, ये प्रोसेस तो होगा ही होगा, साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन रहे ना रहे ये क्या होगा, पाइरूवेट में तो कन्वर्ट होना ही है, या पाइरूविक एसिड में ब्रेक तो होना ही है। तो ये क्या होगा, अब यहां से एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इथानॉल या फिर लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP एनर्जी, देखना है गौर करना है इसको। ठीक है, देखिए देखिए अब क्या है, एनारोबिक रिस्पायरेशन, तो वैसा रिस्पायरेशन जो बिना ऑक्सीजन के भी हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन। ये का हम लोग तो कर नहीं सकते एनारोबिक, कौन करेगा, कौन करेगा, कुछ ईस्ट है, बैक्टीरिया है, कुछ फंगस ऐसा है जो एनारोबिक रिस्पायरेशन को भी करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन रहे ना रहे से मतलब नहीं है रिस्पायरेशन होगा, लेकिन एनर्जी जो है वो कम रिलीज होगा एरोबिक के कंपेरिजन में, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। तो देखिए फिर यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लाइकोलिसिस हुआ, कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर, कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर, ये किस चीज में कन्वर्ट होगा, पाइरूवेट या पाइरूविक एसिड में, ये प्रोसेस तो होना ही होना है, रहे या ना रहे, ऑक्सीजन रहे ना रहे, ये प्रोसेस तो दोनों में होगा, कॉमन है। द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट, मतलब ग्लाइकोलिसिस तो होना ही होना है, ग्लाइकोलिसिस तो होना ही होना है, पाइरूवेट तो बनना ही बनना है। पाइरूवेट जब बन गया, अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, नहीं है ऑक्सीजन, नहीं है, एब्सेंस है, तो क्या होगा, क्या होगा, वहां पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP एनर्जी बन रहा था, यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, कम बनेगा, 2 ATP एनर्जी बनेगा। क्यों 2 ATP बनेगा, इसको भी हम बताते हैं क्यों बनता है 2। तो देखिए और प्रोडक्ट में साथ में या तो इथानॉल बनता है या लैक्टिक एसिड बनता है, या तो इथानॉल बनता है या लैक्टिक एसिड बनता है, प्लस 2 ATP एनर्जी बनता है। और ये इथानॉल बोले या लैक्टिक एसिड बोले, ये दोनों जो है हजार्डस है हमारे बॉडी के लिए, पॉइजनस मतलब हमारे क्या, मतलब किसी भी चीज के बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, हार्मफुल है। ठीक है, हार्मफुल है। और हमारे बॉडी में एक्सेप्शनल केसेस में जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो ये भी हमारे लिए हार्मफुल ही है, हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो देखिए एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होगा, सब कुछ तो कॉमन ही था, यहाँ के बाद उसमें क्या है, ऑक्सीजन का एब्सेंस है, एब्सेंस है तो या तो इथानॉल बनेगा या लैक्टिक एसिड बनेगा, ये दोनों क्या है, हजार्डस है, हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है। प्लस
वहां पे कितना 38, यहाँ पे 2, मतलब 19 गुना एनर्जी कम रिलीज हो रहा है। 19 गुना एनर्जी क्या है, जो फॉर्मेशन है वो कम हो रहा है, किस में, एनारोबिक के केस में। ऐसा क्यों होता है तो ये आप जान लीजिए, आई होप कि मुझे उम्मीद है कि किसी को नहीं पता होगा, पता होगा तो अच्छी बात है। देखिए ये जो ग्लूकोज है, अगर एरोबिक में 100% ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है तो बिना ऑक्सीजन के जो कंबशन होता है वो केवल और केवल 7% एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है। देखिए ये ग्लूकोज के पास, इस रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के पास जितना एनर्जी है उसका केवल और केवल 7% एनर्जी ही ट्रांसफर होता है एनएरोबिक के केस में, एनारोबिक के केस में। दैट्स व्हाई द फाइनल एनर्जी फॉर्मेशन इज ओनली 2 ATP, 2 ATP। तो आपको पता है, आप ये बता भी सकते हैं कि 2 ATP बनने क्यों बनता है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के इसका जो ऑक्सीडाइजेशन होता है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, नहीं पढ़े, मजबूरी है, क्या करें, एक साथ सब कुछ तो हो नहीं सकता। तो ये जो ग्लूकोज है, ये रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, इसके अंदर जितना अवेलेबिलिटी है उसका केवल और केवल 7% एनर्जी ही ट्रांसफर होता है, इसलिए एनर्जी का जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही कम है। तो दिस इज एनारोबिक, एनारोबिक डिस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब दो तीन चीज है वो आपको पढ़ लेना है, ये दो चीज तो आ गया समझ में। एक तो ये ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस दो टर्म से मिलके बना है, ग्लाइको और लिसिस। लिसिस ग्लाइको मतलब सुगर और लिसिस मतलब स्प्लिटिंग, मतलब इस ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, सुगर का जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, स्प्लिट करेगा, उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिसिस, क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिसिस। तो इस रिएक्शन को बोलते क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरूवेट कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में, कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में, इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस वाला जो प्रोसेस है, ऑक्सीजन रहे ना रहे, एरोबिक हो एनारोबिक हो, कुछ भी हो, सब उसमें ये प्रोसेस होना ही होना है, ठीक है, ये वाला प्रोसेस तो होना ही होना है। अब क्या है, तीन केस होता है, इस रिएक्शन को ध्यान में देना है, ठीक है, उसको आपको ध्यान देना है, बस यही जो रिएक्शन बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तक आज इसका खत्म करते हैं ये चैप्टर को, ठीक है, टॉपिक को यही पे खत्म करते हैं, चैप्टर तो नहीं होगा अभी खत्म। देखिए C6H12O6 लिख रहा है, ये जो है तीन भागों में यहां से ब्रेक होगा, दिखाई पड़ रहा है, देखिए चलो बीसी से करते हैं, C6H12 और O6, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, C6H12 और O6, ये जो है ये किस चीज में टूटेगा, किस चीज में टूटेगा, पाइरूविक एसिड या फिर पाइरूवेट में, ठीक है, पाइरूवेट में। तो ये प्रोसेस तो कॉमन ही होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस, समझ से पढ़ रहे हैं। देखिए C6H12O6 मतलब ग्लूकोज या फिर रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ये जो है ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, पाइरूवेट में या फिर पाइरूविक एसिड में, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिसिस। अब यहां से तीन केस होगा, ठीक है, तीन केस होगा, एक होगा, पहला होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कैसा प्रेजेंस में, एकदम अवेलेबिलिटी फुलफिल हो, जितना रिक्वायरमेंट है उतना प्रेजेंस है। सेकेंड होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन बिल्कुल है ही नहीं, क्या है ही नहीं। और थर्ड केस होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन तो है लेकिन क्या है बहुत कम है, तो क्या होगा। ठीक है, तीन केस यहाँ से बनता है, ये वाला ग्लूकोज पाइरूवेट बन गया, पाइरूवेट के बाद ये कॉमन है, ये प्रोसेस क्या है कॉमन है। अब इसके बाद ये तीन केस बनता है, एक ऑक्सीजन का प्रेजेंस एब्सेंस और लैक, कमी, जितना चाहिए उतना मिले नहीं। कब होता है ऐसा, ऐसा कब होता है, जब हम लोग दौड़ते हैं, जब दौड़ते हैं सुबह सुबह बहुत मतलब पूरा जी जान लगा के दौड़ रहे हैं, तो उस समय क्या चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए। एनर्जी ज्यादा कब मिलेगा, जब ज्यादा ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज ब्रेक करेगा। और ज्यादा ग्लूकोज कब ब्रेक करेगा, कब ब्रेक करेगा, जब कंबशन ज्यादा होगा। कंबशन ज्यादा कब होगा, जब जब ऑक्सीजन ज्यादा आएगा। ऑक्सीजन ज्यादा कैसे आएगा, जब हम सांस का रिस्पिरेशन रेट हमारा बढ़ जाएगा, इसलिए क्या होता है दौड़ते हैं तो हमारा रिस्पिरेशन रेट क्या होता है बढ़ जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारा है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि फास्ट क्या करने लगता है, सप्लाई करने लगता है ऑक्सीजन का। वो चीजें हम आगे पढ़ेंगे लंग्स के बारे में। तो देखिए, ये ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट हो गया, अब यहाँ से क्या होगा, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, CO2 वाटर प्लस 38 ATP एनर्जी, नो डाउट किसका केस है, ये एरोबिक का। ठीक है, चलिए सेकेंड वाले में बिल्कुल है ही नहीं ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा, इथानॉल, क्या बनेगा इथानॉल प्लस प्लस 2 ATP एनर्जी, क्या बना इथानॉल बना, और क्या बना 2 ATP एनर्जी, क्या बना 2 ATP एनर्जी। ये किस केस में होता है, तो आपको हम इसको लिखेंगे, डिटेल में लिखेंगे नहीं, यही पे बता देते हैं, ये वाला जो प्रोसेस है, ये इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। ये ईस्ट और बैक्टीरिया में होगा, ईस्ट और बैक्टीरिया में होगा, इसको आपको अच्छे से डिटेल में लिख लेना है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं हो, जो कुछ ईस्ट में, फर्मेंटेशन प्रोसेस भी इसको बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ईस्ट क्या है, फंगस है, बैक्टीरिया, तो बहुत सारा बैक्टीरिया है जो एनएरोबिक रिस्पिरेशन भी करता है, बिल्कुल बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव करता है। तो उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ग्लूकोज तो पाइरूवेट बनेगा ही, पाइरूवेट से ब्रेक होगा तो इथानॉल प्लस 2 ATP एनर्जी। व्हाट इज दिस इथानॉल, इथानॉल ये है क्या, इथानॉल है क्या, आप लोग पढ़िएगा कार्बन कंपाउंड में, 10th में, ये केमिस्ट्री का चीज है। इथानॉल का जो फॉर्मूला होता है, एक्चुअली अभी क्या जरूरत है उसको, ये इथानॉल सिंपल सा समझ लेना है, लास्ट में ऑल है, दिस इज द अल्कोहल, ये क्या है इथानॉल, ये अल्कोहल ग्रुप का एक प्रोडक्ट है, अल्कोहल ग्रुप का ही एक कंपाउंड है, इसी इसी कंपाउंड का जो इस्तेमाल होता है वो शराब वगैरह बनाने में भी होता है, जो वाइन होता है उसमें भी इथानॉल पाया जाता है, सिंपल सा भी यही समझिए। ठीक है, ऐसे अगर इसका फॉर्मूला लिखना है आपको तो लिख सकते हैं C2H5OH, इसको बोलते हैं इथानॉल, या फिर इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। अब कैसे इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, कैसे इथानॉल बोलते हैं, वो अभी नहीं बताएंगे, वो लास्ट में पढ़ना है। ठीक है, कार्बन का प्रॉब्लम बनेंगे, तो ये क्या बनेगा, इथानॉल बनेगा, इसी इथानॉल जो वाइन होता है इसमें ये इथानॉल पाया जाता है। तो ये हम आपको बताए भी थे कि अल्कोहल कभी भी हमारे बॉडी के लिए फूड में कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, इसलिए ये जो इथानॉल है, ये जो इथानॉल है एक्चुअली में ये हमारे बॉडी के लिए या किसी भी सब्सटेंस के बॉडी के लिए अच्छा तो हो नहीं सकता है, बेनिफिशियल तो है नहीं। तो होता क्या है, किसी किसी फॉर्म मतलब ईस्ट में ही अगर इथानॉल का कंसंट्रेशन 13% से ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो पूरा का पूरा जो है पॉइजनस कर देता है उसके बॉडी को। और हो सकता है कि वो जो बैक्टीरिया है, कुछ फंगस है या जो भी है, वो क्या होता है उससे डेथ भी हो जाता है। कैसे, धीरे धीरे इस इथानॉल का कंसंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा तो वो मर भी सकता है। ठीक है, चलिए हटाइए उस चीज़ों को। और तीसरा केस है जब ऑक्सीजन है लेकिन क्या है, लैक है, मतलब उसका कमी है, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP एनर्जी, प्लस 2 ATP एनर्जी। व्हाट इज दिस लैक्टिक एसिड, यही लैक्टिक एसिड है जो जिसके वजह से आप अगर दौड़ लीजिएगा एक दिन बहुत तेज, तो अगले दिन क्या होगा, लगेगा पाँव में मसल्स जो है वो क्रैम्प कर गया, मतलब मसल्स के बीच बहुत दर्द वगैरह, पेन वगैरह होता है। तो वो होता क्यों है, क्योंकि लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के वजह से। ये लैक ऑफ O2 ये क्या होगा, कहाँ होगा, ये वाला मसल सेल के अंदर होता है, ह्यूमन में मसल सेल के अंदर भी होता है,
मतलब हम जब एक्चुअली बहुत सीरियस एक्सरसाइज कर रहे हैं, सेवियर एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, उस समय जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है, तो कमी हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो ये मसल सेल के अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एनर्जी कितना मिला? दो। एनर्जी कितना मिला? केवल दो। ये ग्लूकोज तो हमारा जो देखिए, ग्लूकोज तो उस समय भी 100% है, अभी भी 100% है, यहाँ भी 100% है। जब ऑक्सीजन कंप्लीट है तो एनर्जी कितना दे रहा है? 38 दे रहा है। और जब ऑक्सीजन नहीं है तो कितना दे रहा है? केवल 2 ATP दे रहा है। मतलब ग्लूकोज का कोई रोल नहीं है, रोल किसका है? केवल ऑक्सीजन का। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। ये तीन रिएक्शन को आपको डिटेल में लिख लेना है, डिटेल में, और प्रोसेस को भी अलग लिख लेना है। फर्मेंटेशन में होगा क्या? कुछ इन ईस्ट या बैक्टीरिया, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इंटू पाइरूवेट, आफ्टर दैट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पाइरूवेट इज कन्वर्टेड इंटू इथानॉल एंड ओनली 2 ATP एनर्जी इज रिलीज्ड। सेम यही चीज लिखना है इन मसल सेल, क्या होगा? सेम ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इंटू पाइरूवेट, आफ्टर दैट पाइरूवेट इज कन्वर्टेड इंटू लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP एनर्जी। दिस लैक्टिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल क्रैम्स। ये सब बातें आपको लिख लेना है, खुद से लिखना है और कोशिश करना है, और लिख भी सकते हैं। क्लास टेंथ में है, जूनियर क्लासेस में तो है नहीं, जो एक चीज आपको लिखाया जाएगा। ये तीन चीज आपको ये समझ में आया होगा, ग्लाइकोलिसिस, पाइरूवेट, पाइरूविक एसिड, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह। एक लास्ट में जाते जाते हम लोग आप बता सकते हैं, एक क्वेश्चन अगर पूछ दे कि एक्चुअल साइट ऑफ रिस्पायरेशन, तो क्या होगा आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? एक्चुअल साइट फॉर रिस्पायरेशन, तो क्या होगा आंसर? क्या करेंगे? एक्चुअल में क्या होता है? क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। एक दो चीज ध्यान में देंगे, केवल और केवल 7% एनर्जी ही या ग्लूकोज ही ऑक्सीडाइज हो पाता है एनारोबिक के केस में, जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है या कम है एनारोबिक के केस में, और उस केस में क्या होगा? 100% होगा। दैट्स व्हाई एनर्जी जो है वो केवल और केवल 2 ATP, वहीं पे जो ग्लूकोज है वो कंप्लीट होगा, तो 38 ATP इससे कितना गुना ज्यादा है? 19 गुना ज्यादा है। ग्लूकोज तो जितना यहाँ था यहाँ भी उतना ही है, लेकिन बस ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के कारण एनर्जी के बीच में बहुत डिफरेंस हो जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।